आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कोविड 19 की स्थिति पर लगातार नजर रखने और लाभार्थियों तक गरीब कल्याण योजना का लाभ सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान उपचार के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा। आयुध निर्माणी बोर्ड कोविड 19 रोकने के लिए कम लागत की आइसोलेशन यूनिट के रूप में परिष्कृत तंबू तैयार करेगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के मानव से पशुओं और पशुओं से मानव में प्रसार पर रोक लगाने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा। और बिहार सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के खातों में 1,000 रुपए भेजे। इस विशेष कार्यक्रम में मेरे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत में कोविड 19 से निपटने में दृढ़ संकल्प और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कोविड 19 की स्थिति पर नजर रखने को कहा। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंच सके। हमारे आसपास दुखियारों के बीच जाना, उनके आंसू पहुंचना, उनको मदद करना, ये जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं घर में भी होना चाहिए। और आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा जिला स्तर पर छोटी योजनाएं बनाएं। उन्होंने किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए ऐप आधारित कैब सेवा की तर्ज पर ट्रक एग्रीगेटर्स जैसे नवीन तरीके के इस्तेमाल की संभावना का पता लगाने पर बल दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिए 10 प्रमुख निर्णयों और 10 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारे एकजुट संघर्ष ने हमारा संकल्प और मजबूत किया है। सभी ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया। और जो मूल भाव था, इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं, भले घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है, इस चीज को लोगों ने एहसास फिर से किया होगा। गांव देहात से लेकर के बड़े शहरों तक असंख्य दियों ने, प्रकाश ने कोरोना संकट के अंधेरे को, उस हताश निराशा को दूर करने में, एक एक नागरिक का हौसला बुलंद करने में मदद की। केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कोविड 19 महामारी को देखते हुए सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखकर उपचार के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया है। ऑक्सीजन आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय और विश्व स्वास्थ्य संगठन सूची में भी शामिल है। केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सामग्री की निर्माण इकाइयों, उत्पादित सामग्री के परिवहन तथा फैक्ट्री कामगारों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। गृह सचिव ने कहा कि संगठन और प्रतिष्ठानों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखने और समुचित साफ सफाई रखने के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला अधिकारियों को भी सख्ती से नियम पालन कराने को कहा गया है। सरकार ने चीन से 1,70,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई कवरऑल मिलने के बाद विदेशों से सप्लाई लाइन खोल दी है। ये पीपीई भारत को सहायता के तौर पर मिले हैं। 20,000 कवरऑल्स की घरेलू आपूर्ति के साथ ही अब कुल 1,90,000 कवरऑल अस्पतालों में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा देश में पहले से ही 3,87,473 पीपीई उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त देश में निर्मित 2 लाख N95 मास्क भी विभिन्न अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इस समय देश में लगभग 16 लाख N95 मास्क उपलब्ध हैं। नई आपूर्ति का अधिकतर हिस्सा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जैसे अधिक संक्रमण वाले राज्यों को दिया जा रहा है। एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल, रिम्स, बीएचयू और एमयू जैसे केंद्रीय संस्थानों को भी इन उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है। एक बयान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विदेशी आपूर्ति शुरू होने से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने के भारत के प्रयासों में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। इससे पहले सिंगापुर स्थित एक प्लेटफॉर्म को N95 मास्क सहित 80 लाख पूर्ण पीपीई किट का ऑर्डर दिया गया था। अब ये जानकारी दी गई है कि आपूर्ति इस महीने की 11 तारीख से शुरू होगी और पहले 2 लाख उपकरणों के आने की उम्मीद है। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर 8 लाख और उपकरण प्राप्त हो जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि 60 लाख पूर्ण पीपीई किट का ऑर्डर देने के लिए चीनी मंच के साथ बातचीत अंतिम चरण में चल रही है। इन उपकरणों में N95 मास्क भी शामिल हैं। घरेलू क्षमताओं के और बढ़ाने के लिए उत्तर रेलवे ने एक पीपीई कवरऑल विकसित किया है। यह इससे पहले DRDO द्वारा विकसित पीपीई कवरऑल्स और N99 मास्क के अलावा है। अब इन उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने विटामिन B1 और B12 सहित 24 भेषज सामग्री और औषधियों पर निर्यात प्रतिबंधों में छूट दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की। निदेशालय ने पिछले महीने 26 भेषज सामग्री और औषधियों पर निर्यात पाबंदी लगाई थी। इसके तहत निर्यातक को निदेशालय से लाइसेंस या अनुमति लेना जरूरी था। कुछ औषधि कंपनियों ने इन प्रतिबंधों पर आपत्ति की थी। विटामिन B1, B6 और B12 के अलावा टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, एसिक्लोविर, प्रोजेस्टेरॉन, क्लोरमफेनिकॉल, ओनिडाजोल, क्लोरमफेनिकॉल उत्पाद, क्लिंडामाइसिन साल्ट उत्पाद और नियोमाइसिन उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी हटाई गई है। देश भर में कोविड-19 के 4,281 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 318 रोगी ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 111 लोगों की मृत्यु हुई है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 76% मामलों की पुरुषों में और 24% की पुष्टि महिलाओं में हुई है। श्री लव अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय भंडारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। इस लॉकडाउन की अवधि में देश भर में 605 रेक के द्वारा लगभग 16.94 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट भी किया है। अब तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस मॉडल के तहत 13 स्टेट्स में 1.3 लाख मैट्रिक टन वीट और 8 स्टेट्स में 1.32 लाख मैट्रिक टन राइस अलॉट किया गया है। साथ ही 4 अप्रैल को सेंट्रल पूल में फूड कॉरपोरेशन के पास अभी 55.47 लाख मैट्रिक टन अनाज अभी भी है। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए दिए गए हैं और कल 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामानों की उपलब्धता संतोषजनक है। उन्होंने बताया कि देश भर में चल रहे राहत और भोजन शिविरों में लगभग 75 लाख लोगों को भोजन और आश्रय मुहैया कराया जा रहा है। राज्यों में लगभग 28,000 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स स्थापित किए गए हैं। उसमें 23,924 सरकार द्वारा सेटअप किए गए हैं और 3,737 एनजीओज द्वारा सेटअप किए गए हैं। इन शेल्टर्स में कुल 12.5 लाख लोगों को आश्रय मिला है। इसके अलावा 19,460 फूड कैंप्स भी सेटअप किए गए हैं, जिनमें 9,951 सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 9,509 एनजीओज द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 75 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन खेरकर ने कहा कि परिषद ने रक्त की जांच के लिए 5 लाख किट का ऑर्डर दिया है। 2.5 लाख किट इस महीने की 8 या 10 तारीख तक मिल जाने की आशा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए 30% कम हो जाएगा। ये अध्यादेश 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए 30% घट जाएगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2020-21 से 2021-22 तक 2 वर्ष के लिए सांसद क्षेत्रीय विकास निधि को निलंबित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये 79 अरब रुपए की राशि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी। गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपने सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% की कटौती की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायकों को मिले अनुदान का उपयोग भी जनहित में कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सांसदों के वेतन में 2 वर्ष के लिए 30% कटौती के केंद्र के फैसले को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। केंद्र ने भी महामारी से निपटने में सांसद निधि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस बीच राज्य में स्थानीय स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री का उत्पादन करके निजी कारखाने भी इस महामारी के विरुद्ध संघर्ष में शामिल हो गए हैं। राज्य में वेंटिलेटर के बाद व्यक्तिगत रक्षा उपकरण और N95 मास्क सस्ते दामों पर तैयार किए जा रहे हैं। सीएम के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि अहमदाबाद के पास चांगोदर स्थित सेल्यूस प्रोडक्ट्स IIT कानपुर से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मिलने के बाद प्रतिदिन 25,000 N95 मास्क का उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधीनगर स्थित अरविंद मिल्स और वडोदरा स्थित स्टोर सेफ्टी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किफायती दाम पर व्यक्तिगत उपकरण किट उत्पादन कर रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि इससे न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल ने एर्नाकुलम जिले में कोविड-19 परीक्षण के लिए बड़े पैमाने पर नमूने लेने के लिए वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किए हैं। ये कियोस्क दक्षिण कोरियाई मॉडल पर आधारित हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये कियोस्क चलता फिरता ऐसा क्यूबिकल है जिसमें शीशे के कवर के साथ सामने की ओर दस्ताने लगाए गए हैं। कियोस्क में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी बाहर खड़े लोगों के थूक और लार स्वैब इकट्ठा कर सकता है। स्वैब इकट्ठा करने के बाद दस्तानों को बाहर से ही सैनिटाइज किया जा सकता है। इस व्यवस्था से PPE किट की आवश्यकता में बहुत कमी आ गई है और चिकित्सा कर्मी के अलावा रोगी को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही बड़े पैमाने पर नमूने इकट्ठा करने में आसानी हो गई है। इस समय एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में 2 कियोस्क लगाए गए हैं। एर्नाकुलम जिला प्रशासन के अनुसार कोच्चि में स्थापित ये कियोस्क देश में अपनी तरह की अनूठी पहल है। इस बीच केरल में 1,52,000 से अधिक लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए लोग सामने आकर प्रशासन को अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली निजामुद्दीन तबलीगी जमात में शामिल हुए 12 लोगों ने राज्य सरकार की अपील के बाद स्वेच्छा से अपनी यात्रा का खुलासा किया है। इसके अतिरिक्त तबलीगी जमात के संपर्क में आए 52 लोगों ने भी स्वेच्छा से अपनी पहचान का खुलासा किया। सभी 64 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। अब तक राज्य में 18 रोगियों की पुष्टि की गई है जिनमें से 11 तबलीगी जमात के सदस्य हैं। इस बीच एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के तहत स्वास्थ्यकर्ताओं द्वारा 23 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जानकारी एकत्रित की गई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मध्य प्रदेश के भोपाल में 29 संक्रमितों की पुष्टि के बाद राजधानी में कोविड-19 से प्रभावितों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। इंदौर में ये संख्या बढ़कर 151 हो गई है। इस समय राज्य में कोरोना वायरस से प्रभावितों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। इस बीमारी से 14 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग ठीक हुए हैं। कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए बच्चे योद्धा बन रहे हैं। वे लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अपनी जमा राशि भी प्रशासन को सौंप रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। प्रशासन दवाओं के अलावा आवश्यक सामग्री भी लोगों को उपलब्ध करा रहा है। तमिलनाडु में कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने के लिए वायरस जांच केंद्र 2 गुने से अधिक हो गए हैं। वर्तमान में 11 सरकारी अस्पतालों सहित 17 जांच केंद्र चल रहे हैं। 21 और स्थापित किए जा रहे हैं।
इसके अलावा 1,00,000 जांच किट के आदेश दिए गए हैं। इस बीच कल कोविड 19 के 50 मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में ये संख्या बढ़कर 621 हो गई है। वायरस संक्रमित 67 वर्षीय नागरिक की कल चेन्नई में मौत हो गई। राज्य में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीमार और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने वाले और धार्मिक स्थानों पर मौजूद लोगों से आगे आकर अपनी जांच कराने का अनुरोध किया है। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कोरोना वायरस के फैलने से जुड़े फर्जी समाचार और आपत्तिजनक वीडियो हटाने की भी अपील की। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम आपको कोविड 19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से अवगत कराते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि इस महामारी का फैलाव रोकने के लिए लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। कोविड 19 जो हमारा फैल रहा है वो पॉजिटिव पेशेंट से दूसरे पॉजिटिव पेशेंट्स को जब हम कांटेक्ट रहते हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, जब हम लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, तो वहां पर चांसेस होने के ज्यादा है। तो अगर हम इसको देखें कि हमारे फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेड होने वाला है, तो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है, सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है, कि जो पीक आएगा, जो एक नंबर ऑफ सर्ज ऑफ केसेस आएगा वो एक फ्लैट हो सकता है, नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर ये सारी जो हम प्रिकॉशंस हैं इसको पूरी तरह से पूर्णते हैं, हम सभी लोग उसमें सहयोग करें और उसको माने। जीबी पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने बताया कि श्वास नली में संक्रमण तथा सर्दी खांसी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। 80-85% जो मरीज होते हैं उनमें लक्षण बिल्कुल सामान्य होता है और वो रिकवर हो जाते हैं। 10% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको थोड़ी सांस की दिक्कत होती है, बट ऑक्सीजन और मामूली से सपोर्ट से उसमें काफी पेशेंट बाहर आ जाते हैं। 5-10% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें सांस की दिक्कत ज्यादा हो सकती है, और यह तकलीफ आमतौर पर उन मरीजों को होती है जिनको पहले से कुछ हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, सांस की दिक्कत है या उनकी एज ज्यादा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा ने कोविड 19 के फैलाव और बचाव के बारे में बताया। मान लीजिए घर के अंदर ही कोई है और वो बीमार है और दूसरों को भी इसके बारे में अभी पता नहीं है कि वो बीमार है, क्योंकि कई बार 4-5 दिनों तक लक्षण आते ही नहीं है, उस कारण पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति बीमार है। तो जो उसके आसपास के घर में लोग हैं, बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, वो जल्दी इस बीमारी को पकड़ लेंगे। अगर वो बाहर जा रहा है, किसी भीड़ में जा रहा है, तो वो एक से कई और लोगों को भी ये बीमारी दे देगा। इस तरह से समाज में फैल सकती है। डॉक्टर अवधेश ने संक्रमण से बचाव के लिए केवल सुरक्षित दूरी को ही कारगर बताया है। एक दूसरे से आप कम से कम 2 मीटर दूर रहें। ये 2 मीटर का जो फासला है उसका बड़ा कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके अगर शरीर में वो कीटाणु हैं जो कि कोरोना को फैलाते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी जाके पड़ सकते हैं, खासतौर पर उसके चेहरे पे और उसके मुंह से, नाक से या आंखों से, जिसको हम म्यूकोसल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी वजह से वो उसके शरीर में जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा और इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कोविड 19 से खुद को बचाएं, घर पर ही रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Hey girl, आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, यस। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 1-4-4-4-0 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति पर लगातार नजर रखने और लाभार्थियों तक गरीब कल्याण योजना का लाभ सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान उपचार के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा। आयुध निर्माणी बोर्ड कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए कम लागत की आइसोलेशन यूनिट के रूप में परिष्कृत तंबू तैयार करेगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के मानव से पशुओं और पशुओं से मानव में प्रसार पर रोक लगाने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा। और बिहार सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के खातों में 1,000 रूपये भेजे। रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध कारखाना बोर्ड कोविड-19 महामारी की जांच करने के लिए कम लागत वाले आइसोलेशन यूनिट के रूप में परिष्कृत तंबू बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तंबू आयुध निर्माणी कानपुर में जुटाए जा रहे हैं और सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंबुओं की तुलना में 30% सस्ते हैं। इसका कपड़ा पॉली विस्कोस से बना है, जिसे हल्के स्टील और एल्यूमिनियम मिश्र धातु से जोड़कर बनाया गया है। चिकित्सकीय जांच और आपात स्थिति के लिए भी इन तंबुओं का उपयोग किया जा सकता है। केंद्र ने कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण और उसके प्रबंधन के लिए नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्यों और बाघ संरक्षण अभयारण्यों के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। बाघों के कोविड-19 से संक्रमित होने की हाल की खबरों के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। उन्हें मानव से पशुओं में और पशुओं से मानव में वायरस फैलने से रोकने के तुरंत उपाय करने को कहा गया है। पशुओं से मनुष्यों के संपर्क को सीमित करने और वन्य जीव अभयारण्यों, बाघ संरक्षण अभयारण्यों और नेशनल पार्क में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को कहा गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में कार्यबल या द्रुत कार्रवाई बल गठित करने का भी सुझाव दिया है, ताकि किसी भी स्थिति का तुरंत प्रबंधन किया जा सके। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में 24 घंटे जानकारी देने वाला तंत्र तैयार करें, जो किसी भी मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर सके। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान देश के कई भागों में फंसे 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के खातों में 1,000 रूपये अंतरित किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली से प्रत्येक प्रवासी कामगार के खाते में रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अपने प्रवासी कामगारों तक मदद पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक रिपोर्ट। अब तक 2,84,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों ने सहायता के लिए ऐप के जरिए आवेदन दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग जहां हैं वहीं उन्हें सहायता मिलेगी। इस बीच लगातार दूसरे दिन बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित कोई मरीज नहीं मिला। पहली बार एक साथ 5 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इसके साथ ही अब तक 9 मरीजों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ली है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी वैश्विक महामारी कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में देश के विभिन्न भागों में लोगों की मदद कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनसीसी कैडेट विभिन्न राज्यों में राहत सामग्री वितरण, सामुदायिक सहायता, डेटा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले सप्ताह सरकार ने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत एनसीसी कैडेट्स के अस्थायी नियुक्ति की मंजूरी दी थी। एनसीसी कैडेटों को हेल्पलाइन में सहायता करना, राहत सामग्री, दवाइयां तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के साथ साथ परिवहन प्रबंधन जैसे कार्य सौंपे गए हैं। 75 कैडेट्स तमिलनाडु में और 57 कैडेट्स पुदुचेरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा 80 कैडेट्स पूर्व खासी हिल्स में राशन वितरण कार्य में मेघालय पुलिस की मदद कर रहे हैं, जबकि 64 कैडेट्स मध्य प्रदेश के नीमच जिला में आपूर्ति एवं परिवहन प्रबंधन में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं लद्दाख ने भी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए 8 कैडेट्स की मांग रखी है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी और संचारी रोग विज्ञान प्रमुख डॉक्टर रमन आर गंगाखेरकर परिचर्चा में शामिल होंगे। विशेषज्ञों से टेलीफोन पर नंबर 1800115767 पर सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800115767। श्रोता 011-233-1-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। विशेष फोन इन कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:10 से सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल newsonair official पर भी उपलब्ध रहेगा। newsonair ऐप से भी जानकारी ली जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमणग्रस्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को हालत बिगड़ने के बाद गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में भेज दिया गया है। ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री का उपचार कर रहे चिकित्सा दल की सलाह पर कल उन्हें आईसीयू में भेजा गया। श्री जॉनसन लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ती हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब प्रधानमंत्री का अस्थायी प्रभार संभाल रहे हैं। श्री राब ने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की टीम भावना से प्रधानमंत्री की पूर्व निर्धारित योजनाएं जल्द से जल्द लागू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे श्री जॉनसन को स्वस्थ देखना चाहते हैं। सरकार ने एक बड़े अखबार में छपे संपादकीय को आधारहीन बताया है, जिसमें ये कहा गया था कि आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़े को उपयोगकर्ता के स्थान और उसके डेटा के साथ नहीं जोड़ता है। साथ ही इससे किसी तरह की हैकिंग का खतरा भी नहीं है। ये मोबाइल ऐप देश के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करने के संकल्प के साथ कुछ दिन पहले शुरू किया गया था। इस ऐप के प्रयोग से लोग कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित होने के खतरे के लिए अपना आकलन कर सकते हैं। इस ऐप के प्रयोग से सरकार को कोविड-19 संक्रमण के खतरे का मूल्यांकन करने और जहां जरूरत हो वहां आइसोलेशन करने के लिए समय पर आवश्यक कदम उठाने में सहायता भी मिलती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है डार्लिंग लोशन, दांत को जो पल में हरे वो है डार्लिंग लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और सिद्धार्थ, अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हुए जी हाँ प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर नजर डालें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 30% कम वेतन लेंगे प्रधानमंत्री, सांसद, जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों की खबर है। हिंदुस्तान लिखता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी कम वेतन लेंगे, रकम कोरोना राहत कोष में जाएगी, धीरे धीरे खुलेगा ताला। नवभारत टाइम्स का कहना है महामारी के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 28 दिन बढ़ सकता है लॉकडाउन, दूसरे राज्यों में सफर तुरंत नहीं। दैनिक जागरण ने लिखा है एक साथ नहीं हटेगा लॉकडाउन, कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों के आधार पर 4 श्रेणियों में बटेंगे राज्य। अमर उजाला की सुर्खी है उत्तर प्रदेश में एक भी केस रहने तक नहीं हटेगा लॉकडाउन, पंजाब केसरी के अनुसार तेलंगाना चाहता है 3 जून तक बढ़े लॉकडाउन। हिन्दुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा कोरोना का सामुदायिक प्रसार अभी नहीं। दैनिक जागरण ने बताया है स्टेज 3 से बचे रहने के लिए हो रही है तमाम कोशिश। हिन्दुस्तान ने जीवन बीमा परिषद के इस भरोसे को प्रकाशित किया है कंपनियां महामारी से मौत पर बीमा दावे को नहीं रोक सकती। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है अमरीका में इंसान के संपर्क में आई बाघिन और हो गई कोरोना पॉजिटिव। जनसत्ता ने लिखा है अमरीका के संक्रमण से भारत में भी बढ़ी चिंता, देश के सभी चिड़ियाघरों से हाई अलर्ट पर रहने और संदिग्ध मामलों में नमूने लेने के लिए कहा गया है। उम्र 81, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, 5 स्टेंट, फिर भी हरा दी बीमारी। नवभारत टाइम्स ने बताया है पंजाब के मोहाली की कुलवंत निर्मल कौर ने हौसला नहीं खोया और कोरोना को हराकर अस्पताल से घर लौट आई। दैनिक जागरण ने उम्मीद शीर्षक से लिखा है लॉकडाउन के कारण औद्योगिक इकाइयां बंद होने से दिल्ली की मृत प्राय यमुना के साफ पानी ने दिखाई भविष्य की सुखद राह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति पर लगातार नजर रखने और लाभार्थियों तक गरीब कल्याण योजना का लाभ सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान उपचार के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा। आयुध निर्माणी बोर्ड कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए कम लागत की आइसोलेशन यूनिट के रूप में परिष्कृत तंबू तैयार करेगा।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के मानव से पशुओं और पशुओं से मानव में प्रसार पर रोक लगाने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।